कर्नाटक के मैसूर नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था। चुनाव से पहले बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। वैसे निगम में बहुमत किसी भी दल के पास नहीं था। मैसूर नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसे भरोसा था कि निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का पद उसे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस की रणनीति ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया, तो मैसूर में कैसे हारी बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस फिर साथ आते दिख रहे हैं। वैसे अभी औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन पहले जैसी तल्खी दोनों दलों में नहीं दिख रही है। इसका नजारा मैसूर नगर निगम के चुनाव में दिखाई दिया। 65 सदस्यों वाले मैसूर नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था। जीत के लिए 33 वोटों की जरूरत थी। निगम की दलगत स्थिति को देखें तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 22 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 19 और जेडीएस के 18 सदस्य हैं। 5 सदस्य निर्दलीय हैं। अधिकांश निर्दलीय बीजेपी खेमे में माने जा रहे थे, लेकिन जीत का आंकड़ा पूरा न होने पर बीजेपी की ओर से जेडीएस को डिप्टी मेयर का पद ऑफर किया गया था, लेकिन जेडीएस ने बीजेपी के प्रस्ताव को न मानते हुए मेयर की सीट के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया। बाद में जेडीएस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और जेडीएस के इस गठबंधन ने मैसूर निगम के समीकरण पूरी तरह से बदल दिए और आसानी से मेयर और डिप्टी मेयर की सीट पर कब्जा कर दिया। चुनावों में जेडीएस की रुक्मिणी एम गौड़ा को मैसूर नगर निगम का मेयर चुन लिया गया, जबकि कांग्रेस के अनवार बेग डिप्टी मेयर चुने गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।